बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज है 3.8 और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और सेकंड इक्वेशन है yz इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। अब इसमें भी आप देखें, एक लीनियर है और एक लीनियर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो लीनियर है उसे एक निकाल के x या y और उसको दूसरे वाली इक्वेशन में लगाएंगे। यहां से x या y या z जो इक्वेशन भी दिया हो, जैसे यहां पर yz है तो y निकालो यहां से, y की जगह यहां लगा दो, यहां से z निकालो, यहां z की जगह लगा दो। बात समझ में आ रही बेटा? पर जो आप करेंगे आपको लिखना पड़ेगा, मैथ्स में थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन टू, देखिए वाई जी बराबर है 2 के, अगर मैं वाई को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो जी को 2 पे डिवाइड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 3 को यानी वाई की वैल्यू को 1 में यानी वाई की जगह लगा देता हूं, लगा सकता हूं। मैंने कहा कि पुटिंग 3 इन 1 वी गेट, ये रहा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय z का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अगर मैं इसको हल करूंगा तो हल करने से रहा 4 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 5। एतराज तो नहीं? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करना ये चाहता हूं कि मैं सबको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो z स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर मल्टीप्लाई z स्क्वायर और z स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइंग बाय z स्क्वायर, सही है? बोथ साइड वाली बात तो आप जहन में बस बिठा के रखें, क्योंकि मैथ्स में एक साइड वाला कहानी है नहीं। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 4 प्लस z पावर 4 इक्वल्स टू 5 z स्क्वायर। इसको यहां ट्रांसफर करें तो z4 - 5z² + 4 = 0। एतराज तो नहीं है? क्या इसका क्वाड्रेटिक हो सकता है? पर इसके फैक्टराइज भी हो सकते हैं। कैसे? अगर -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो +4 आता है, 4 आता है ना, लेकिन दोनों ऐड करेंगे तो -5 भी आता है, तो ये आ जाएगा z पावर 4 - 4z² - z² + 4 = 0। एतराज? यहां से z स्क्वायर कॉमन लिया तो आया z² - 4, यहां से -1 कॉमन लिया z² - 4 = 0। बोलो बेटा। नहीं, नेचर तो उसका नेगेटिव रहेगा ना। आपने किसी से 4 रुपए उधार लिए, फिर 1 रुपया और ले लिया तो आपके ऊपर तो लोड बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव नेचर खत्म नहीं हो सकता। आप एडिंग तो हो रहे लेकिन नेगेटिव नेचर के साथ। अब ये बताएं, z² - 4 कॉमन लिया तो z² - 1 आया = 0। फिर यहां पर वही कहानी आप करेंगे कि अगर फर्ज करे z² 4 0 के बराबर हो तो फिर क्या होगा, z² - 1 0 नहीं होगा। यहां से z² = 4 हुआ या z = ±, जी z = ±2। और दोबारा अगर मैं करूंगा, अगर फर्ज करे अगेन z² - 4 0 के बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ z² - 1 = 0 या z² = 1 के। बताओ सही है क्या नहीं? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ये कि मेरे पास z की वैल्यू आई +-1। अब मेरे पास z की कितनी वैल्यूज आई, z की एक वैल्यू है 2, एक z की वैल्यू है -2, एक z की वैल्यू है 1, एक z की वैल्यू है -1। बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस टू का मतलब क्या है,
जेड एक प्लस टू है, एक जेड माइनस टू है। प्लस माइनस वन का मतलब क्या है, एक जेड प्लस वन है, एक जेड माइनस वन है। पता चला कैसे है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया ना। अब अगर मैं प्लस वन का स्क्वायर लूंगा फिर भी वन आता है, माइनस वन का स्क्वायर लूंगा फिर भी वन आता है, इसलिए मैं प्लस माइनस लगाता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन नंबर थ्री मेरे पास किस चीज के बराबर है, वो है वाई बराबर टू अपान जेड। वाई बराबर, बस ये वैल्यू वहां लगाएं, पुटिंग जेड इक्वल्स टू टू एन इक्वेशन थ्री, वाई बराबर है टू अपान जेड, तो ये रहा टू अपान टू बराबर वन। इसका मतलब है एक जोड़ आपके पास ये रहा, y इंटू जेड बराबर रहा, y कितना है वन, z क्या लगाया आपने टू। दोबारा देखो, अभी आपने सिर्फ ये लगाया था ना, अब ये माइनस टू भी तो लगाएंगे। पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस टू इन इक्वेशन थ्री, तो y बराबर रहा टू डिवाइडेड बाय z या टू डिवाइडेड बाय माइनस टू बराबर माइनस वन। अब y की वैल्यू रही माइनस वन, जब आपने z क्या लगाया था माइनस टू, नहीं पक्की बात है। तो आपके पास यहां पर एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, दो हो गए। लेकिन दूसरी तरफ देखो, वहां पर भी तो दो है, हैं? ये पुटिंग z बराबर वन इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री क्या है, y बराबर टू अपान z, टू डिवाइडेड बाय वन बराबर टू। यहां पर आंसर क्या रहा, y कितना रहा टू, तो z कितना लगाया वन, एक आंसर ये रहा। अब दोबारा पुटिंग y बराबर, सॉरी पुटिंग z बराबर माइनस वन, किस में, इन इक्वेशन थ्री में, तो y बराबर रहा टू डिवाइडेड बाई z बराबर टू डिवाइडेड बाई माइनस वन बराबर माइनस टू। बताओ मुझे यहां पर क्या आंसर आया, y माइनस टू है जब आपने z कितना लगाया माइनस वन। तो अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आए, देखो एक तो वन टू आया, एक माइनस वन माइनस टू आया, एक टू वन आया, एक माइनस टू और माइनस वन आया, सही है क्या, नहीं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं। ये देखे, ये क्या है वन, ये क्या है माइनस वन, ये टू, ये तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। और ये देखे, ये टू ये माइनस टू, ये वन ये माइनस वन, तो प्लस माइनस टू और प्लस माइनस वन, इस तरह भी लिखाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई, और ये इंपॉर्टेंट है।